सो गाइज, वन प्लस 8 प्रो के एक्सेसरीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो है वन प्लस 8 प्रो के एक्सेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ये वन प्लस 8 प्रो है। इसमें जो ग्लास अभी हमने लगाया है वो यूवी ग्लास नहीं है, डायरेक्ट स्टिक वाला ग्लास है। उसके वजह से क्या है, एज टू एज थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ये। और ये देखो, ये 250 रुपीज़ वाली है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मैक्सिमम 1 महीने में मेंटेनेंस शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ स्टार्टेड होती है, एयर पकड़ना वगैरह शुरू हो जाता है। अभी ये हमने कल ही लगाई है, तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा से दिख रहा है हमें कि ग्लू वगैरह भी जो भी लगा है चारों तरफ से एकदम सही लगा है। उसके बाद में देखिए, एक हमने वन प्लस अगर शोरूम में लेने जाएंगे तो 550 के आसपास लगभग आती है। तो ये हमें मिली है 250 रुपीज़ का, हमें बोला गया था 250 रुपीज़। और देख सकते हैं ये एकदम ग्लास एकदम बढ़िया है, सॉरी कवर्स देखो, ये वन प्लस का लोगो के साथ आता है। और इसमें देखो कैमरा प्रोटेक्शन भी है। तो ये 250 है, तो लगभग 220 तक ले सकते हैं आप डिस्कस करके। पीछे देखिए कुशन भी रहता है और ये नाम भी रहता है, डिज़ाइन बाय वन प्लस। तो ये ऐसा ओरिजिनल रहेगा, तो ये आपके पीछे ये सब ऐसा नाम रहेगा, देख सकते हैं वन प्लस लिखा हुआ है। और ये लगाने के बाद में आप देख सकते हैं लुक कैसा बनेगा। तो अभी ये मोबाइल है देखिए वन प्लस का, तो अगर हम इसको ये देखो, इतना बढ़िया और हाथ में एकदम इजीली दिखता है और दिखने के लिए भी एकदम बेस्ट दिख रहा है। देखिए देखिए क्या बेस्ट है, स्लिम भी है, सब कुछ सही है। फिर उसके साथ में ये देखो, एक ये लिए हमने, ये कुछ 30-40 रुपये तक आ जाते हैं। ये लगभग 1-2 मीटर की लेंथ में रहते हैं। ये आपके हेडफोन्स भी हमने मंगाए, ऑर्डर किए वन प्लस के ही, उसका भी हम वीडियो डालेंगे। तो अभी बात करते हैं, हेडफोन्स लिए हमने, ये 250 रुपीज़ के हेडफोन्स थे, तो 200 रुपीज़ में लिए हमने, सी टाइप के ही है ये, वार्नी कंपनी के है ये, बेस्ट है, अच्छे है। देखिए एकदम स्लिम और दिखने के लिए भी बढ़िया है, मैग्नेट नहीं है लेकिन डायरेक्ट सी टाइप में है, तो ठीक है काम चलाने के लिए ठीक है। तो दोस्तों इनको भी रखते साइड में, अब आ जाते हैं। ये देखो, ये ऐसा कवर भी एक मंगाया था, क्योंकि अगर ग्लास टूटने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। लेकिन ये इसे क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि अंदर से कुछ ज़्यादा ही प्रेस हो गया, इसमें कुछ रख दी एटीएम कार्ड वगैरह, तो ये स्क्रीन को वापस डैमेज करता है। तो जैसे ये दिखाया मैंने आपको, ये डैमेज होते ही होते। देखो इसमें क्या है, कभी कभी ये जो इसका होल्डर से है, देखो अगर ये इसके बीच में लग के इधर, ये ऐसा ही हुआ है कुछ, देखो इसके वजह से ये टूटा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो बार बार ये मेंटेनेंस वगैरह मांगते रहते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर सही लगा रहेगा तो लाइक भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।